जीसीएफ न्यू कॉलोनी के सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुओं की दहशत व्याप्त है। इस क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से तेंदुओं का मूवमेंट देखा जा रहा है। हाल ही में तेंदुओं ने एक बकरी और चरवाहे पर भी हमला किया था। तेंदुआ और उसके दो शावकों के नजर आने के बाद रिहायशी इलाके के लोग, खासतौर पर फैक्ट्री कर्मचारी, दहशत ज्यादा नजर आ रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने की मांग की है। जीसीएफ की न्यू कॉलोनी सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत व्याप्त है। बीते एक सप्ताह से इस इलाके में तेंदुए का मूवमेंट हो रहा है, लिहाजा फैक्ट्री कर्मियों के रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले परिवार दहशत ज्यादा नजर आ रहे हैं। न्यू कॉलोनी के रास्ते में पड़ने वाले जंगल में तेंदुए ने बीते दिनों एक बकरी और चरवाहे पर हमला किया था। उसके बाद एक दिन पहले पंप हाउस के पास कर्मचारियों ने तेंदुए और उसके दो शावकों को बैठे देखा रोड के उस पार। अच्छा, क्या किया आपने फिर? हम चले आ रहे थे तो बकरी साथ में आ रही थी। अच्छा, तो एकदम से बकरी कान खड़ के भागी। हाँ, तो हम पलटे। हाँ, पलटे तो बकरा उठा कर खींच रहा था। अच्छा, बकरा चिल्ला, हमने कुल्हाड़ी निकाली, भोमा ऊपर पलटा। हाँ, आपके ऊपर अटैक किया उसने? अटैक किया तो कुल्हाड़ी। जिसके बाद लोग अब और दहशत में है। हालात ये है कि सर्दी के इस मौसम में दिन में भी लोग तेंदुए की दहशत की वजह से घरों में कैद हो गए हैं। लोगों को सबसे ज्यादा चिंता छोटे छोटे बच्चों की है, जिन्हें लोग अकेले छोड़ने में भी डर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है, ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके और उसे संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। तो आवश्यकता यह है कि उसको यहाँ एक पिंजरा लगा करके उसको पकड़ लिया जाए और उसको एक संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। तो इससे एक बहुत बड़ी, मतलब यहाँ के रहवासियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा और जीव जंतुओं के लिए भी अच्छा हो जाएगा। दहशत का माहौल है आप लोग? नहीं, यहाँ अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सब खेलते हैं। कुछ हमारे जो ये स्ट्रीट डॉग हैं, ये भी है, तो इनके सबके लिए तो खतरा है ही। अभी कुछ दिनों से इस इलाके में, जो न्यू कॉलोनी सेक्टर 2 पड़ता है एरिया, बहुत सारे अभी तेंदुए का दहशत चला हुआ है। तो अभी हम लोगों को, पूरे रहवासियों को डर बना हुआ है और तेंदुओं के चक्कर में बच्चों को इधर उधर ले जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो गोदी में लेकर हम लोग घूम रहे हैं। नीचे खिलाना, कभी किधर छोड़ देना किसी के साथ, पहले ऐसे खेलते थे। लगभग कब से है ये? लगभग 8 दिन से ऐसा तेंदुओं का कहर है। ठीक है, कल ही मतलब बहुत सारे तेंदुए जो इस पंप हाउस के पीछे थे, जो कुछ बच्चे तेंदुए ऊपर पेड़ पे थे और कुछ तेंदुए के बच्चे नीचे टहल रहे थे, जो पंप अटेंडेंट है उसने देखा। देखने के बाद जो है उसने ये बोला, हम लोग को तड़प दौड़ा दौड़ा चिल्लाया, तो हम लोग ने वन विभाग वालों को भी सूचित किया। कॉलोनी के रहवासियों के अलावा जंगल क्षेत्र में जानवरों को चराने आने वाले चरवाहों में भी तेंदुए की दहशत साफ देखी जा रही है। चरवाहे भी अपने और जानवरों को लेकर दहशत ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो जो यहाँ था सर, ये यहाँ नाला पे था, जानवर टोल रहा था, तो जानवर को हम लोग छिनाए, फिर उससे जानवर को हम लोगों ने, फिर उसको रगड़े भी, फिर इसी तरह भगा सर। क्या करते हैं? हम भी बकरी चराते सर। हम लोग की घटना है ये परसों की है सर। अभी भी दिख रहा है, आता है? हाँ, अभी आज तो नहीं दिखा, कल भी नहीं दिखा जी, परसों दिखा रहा हम लोग को। बस क्या हमला करता है वो जानवर को तोड़ता है साला, बस जानवरों को, बस। और हम लोग कुछ नहीं बोलता, ये बकरी को तोड़ता उड़ता है बस। वो बहुत दहशत है? हाँ, बहुत दहशत सर हम लोग को। अब कहीं उनको तोड़ता, कहीं हमें लोग को रगड़ लिया, तो क्या करेंगे सर हम लोग, कहाँ भाग के जाएंगे हम लोग सर। रहता है न्यू कॉलोनी आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए और उसके शावकों की दहशत इस कदर व्याप्त है कि सड़कों और कॉलोनी परिसर में हर तरफ सन्नाटे का माहौल है। लोगों में इस बात की दहशत है कि कहीं तेंदुआ किसी व्यक्ति पर हमला न कर दे।